क्यों खड़े हैं साहब? हेलो, आप ऐसा गमछा डाले। अच्छा चलिए, हाँ हाँ समझ गया मैं, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखिए सब लोग आ रहे हैं, ये दो तीन भाई हमारे बाहर में खड़े हैं। आप बैठ, आप आएंगे या मैं आ जाऊं? जल्दी आइए। ए जींस पैंट, ए बिल्ला वाला, बैठ जाओ। बहुत कर लिया तुम लोग तीन दिन से, हम समझ रहे हो क्या क्या कर रहे हो, भाग रहे हो जलते से। जरा दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। अगर आपके पास इतनी ही आवाज है तो हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। अगर आपकी आवाज बढ़ सकती है नबी के नाम पर तो इतने जोर से बोलिए ताकि आपकी आवाज किशनगंज से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। जोर से बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तकरीर हो, खत्म कर दो। क्या बात है, आप लोग वहां क्यों बैठ गए? आपकी जगह नीचे है भाई साहब, ये मौलाना लोगों की जगह यहाँ। आप पीछे बैठकर हमको बोलना नहीं पड़ेगा? अच्छा तो अरे वहां से लोगों को हटा रहा हूँ तो वहाँ स्टॉप क्यों हो जा रहा है लोग? अच्छा भैया, आल में जो बैठे हैं वो सुबह सुबह की याद दिलाती है, इधर आइए। जो लोग बाहर में खड़े हैं, दुकानों पे खड़े हैं, आ जाओ, नहीं तो कल पछताओगे। ये लोग जाके बोलेंगे एक मौलाना आया हिला दिया, ये लोग पछता जाएंगे। तकरीर शुरू करूं? शायर इस्लाम हजरत बुरहान छत्तीसगढ़ी ने बड़ा अच्छा कलाम, अच्छी आवाज आपको सुनाया। शायर अहले सुन्नत हजरत शमीम रजा फैजी से आपने सुना है अच्छी शायरी। ये वो शायर हैं शमीम रजा फैजी, आज तक तो हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान के लोगों की नकल करते रहे, लेकिन इनका वो मशहूर जमाना कलाम मेरे सरकार के जैसा कोई आया ही नहीं। इनके कलाम को पाकिस्तान वालों ने भी पढ़ा। ये उस शायर को आपने बुलाया, वो इतना मशहूर हुआ, नेट के जरिए पूरी दुनिया के लोग इन्हें सुन रहे हैं और जान रहे हैं। नकीब आजम हिंदुस्तान अदीब शहीर हजरत मौलाना शाहिद रजा, शाही रजा साहब किबला से अच्छी अनाउंसरी, अच्छी शायरी सुन लिया है उर्दू में। किसमें, काहे में? अरे जोर से बोलो ना भाई, हम दो तीन शेर पढ़ रहे हैं संस्कृत में। पढ़े तैयार हैं सब लोग? ये लोग आ रहे हैं कि जा रहे हैं? अच्छा चलिए, आने का रिकॉर्ड तो कम से कम हो रहा है ना। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, क्यों कर दिए माइक? बहुत अच्छा बज रहा था एक मिनट पहले, अब फिर पहले जैसे था वैसे कीजिए। वो मैं जब खड़ा हो जाऊं ना तो वो ऊपर वाला जो मिक्सचर रखे हुए हैं 50 बटन वाला, उसको मत दबाइए। 50,000 की जो मशीन है उसमें से आवाज। क्या बात है, नीचे से मैन मशीन से आवाज। खोलिए मैन मशीन से आवाज है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जरा दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। अरे हमें मालूम है कि किशनगंज के लोग कैसे होते हैं। पहली बार किशनगंज नहीं आया मैं जब जलसे में आया आपका माहौल देखने के बाद घबरा गया कि मैं किशनगंज आ गया कोई और गंज आ गया, लेकिन अब लग रहा है कि मैं किशनगंज में आया हूँ। किशनगंज के लोग जज्बाती होते हैं और हमें मालूम है कि आप कैसी तकरीर सुनते हैं और किस तरह लोगों को सराहते हैं। जरा एक बार बेदार हो जाइए ताकि मैं तकरीर शुरू करूं। सब लोग दोनों हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुख हरम सुख करम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्रो मंगलम, ए कूटी कूटी प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम, ए जन्म तिथि दो दशर बिलवलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, ए अलीमा सुधे मंगलम। समझ गए, समझे कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा ना? वही अच्छा लगता है जो आपको समझ में नहीं आता है। क्या बात है, हाय हाय हाय, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब सुना दूं, मतलब सुना दूं? जरा जल्दी में हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं चाह रहे हैं।
सुन्नी है, सुन्नी सुन्नी है ना, सुन्नी जोश में होश खो देता है। सुनिए, हमारी आदत है तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, पधारते हैं, तशरीफ लाते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूं, ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इश्के नबी का मदीना हो जाए। पढ़िए मेरे साथ ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए कुछ लोग पढ़ रहे हैं, इधर वाले टुकुर टुकुर देख रहे हैं। सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे भाई लोग, उधर बैठने वालों, आप लोग कवरेज एरिया में हो कि कवरेज एरिया से बाहर हो? कवरेज में हो तो जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। उधर वाले इधर से काम चला रहे हैं। सब लोग पढ़े, तुम लोग भी पढ़ो मेरे मां बहनों, धीरे धीरे आप जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से इसलिए कहता हूं पढ़ने के लिए कि भारत के स्पेशल पंडित ने बहुत पहले पढ़ा कृष्ण अवतार्यतम प्रीतम बलतम स्वानम शक्ति मां संग्रम चाकुदारमले हिंदू लोग सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया, लेकिन मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे। मतलब सुना दूं? सब लोग तैयार है? ऐसे नहीं, जोर से हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से। कुछ लोग हजरत मसरूर होके हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग मजबूर होके। क्या बात है, क्या मजबूर का जवाब नहीं है। जरा दोनों हाथों को उठा के जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। पंडित जी ने पढ़ा लो और नहीं पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। खत्म होता है पाप, पाप गुनाह, क्या खत्म होता है? पंडित जी पढ़ते लो इलाहा पापन ला इला पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है, यानी खत्म हो जाता है। क्या खत्म होता है? जोर से बोलिए ना, पाप जानते हैं? हाँ, तो आप नहीं जानिएगा तो कौन जानेगा? है? आप लोग पाप जानते हो? करते काहे? करते काहे हो? आए बहुत अच्छा। मैं अक्सर जगह एक शेर पढ़ता हूं जब पाप की बात आती है, तो सुनिए एक शेर। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। अब भाई शमीम फैजी साहब की तरह हमारी आवाज तो नहीं है, हमारी आवाज तो फटल बांस है। पढ़ता इसलिए हूं कि कहीं मकबूल हो जाऊं तो बेड़ा पार हो जाए। सब लोग पढ़िए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। कहां जाने के लिए? कब्र में जाने के लिए। चाचा टाइम तो आपका खत्म हो गया, पासपोर्ट बन गया, कब वीजा लगेगा कोई ठीक नहीं है, तैयारी कीजिए, नहीं तो मोटा मोटा गुर्ज लेके फरिश्ता इतना मारेगा कि मियाज दुरुस्त कर देगा। रोज़े अज़ल में कॉल किए थे जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम, तो पीर पयंबर आए हैं। अरे पीर पयंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, बहुत अच्छा।
जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हजरत नारा लगा रहे थे, आप नारे को देख रहे थे। नारे को देख रहे थे, बहुत अच्छा। ये कैसी बुखालत है लोगों के दिल पर, क्या जवाब लगाते हैं नारे, मगर धीरे 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 धीरे। आहा, एक शेर और पढ़ाएं, पढ़ाएं, सब लोग तैयार हैं। अच्छा बताइए, आपके अड़ोस पड़ोस में हिंदू लोग भी रहते हैं? रहते हैं ना, और वो भी मरते हैं कि नहीं मरते हैं? अच्छा, हिंदू भी मरते हैं और मुसलमान भी मरते हैं। क्या नाम है भाई साहब? खैरियत है? बहुत अच्छी खैरियत। क्या करते हैं आप? क्या नाम है? क्या करते हैं आप? इंसल्ट नहीं किया हूं, इस पे अमल करो, कह दो इंशाल्लाह हम लोग सब लोग अमल करेंगे इंशाल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हिंदू भी मरते हैं और मुसलमान भी, दोनों जाते हैं दुनिया से, लेकिन दोनों के रास्ते जाने के अलग अलग है। कोई राख बन जाता है, कोई खाक बन जाता है। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट। क्या हुआ है, क्या हुआ? बैठो बैठो बैठो। अपने भी जा रहा है, उसको ले जाने के लिए फुफुर फुफुर कर रहा है। हिंदू जल कर राख हुए और मुसलमान का खाक, सोने जैसा दिया मिट गए, रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है। अरे अपना पराया रोता है, दिखलाना के लिए कुछ तो कर ख्याल, यहाँ से जाने के लिए। क्या बात है, अब रहने दीजिए। अच्छा, एक साहब आ रहे हैं, यही आ रहा है क्या? अच्छा, आने दीजिए, आने दीजिए, आप भी आ सकते हैं, हम किसी को नहीं रोकते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आके देखिए। क्या बात है, बहुत अच्छा। बस मिजाज की तफरीह के लिए बोलता हूँ, हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं कि आ रहे हैं? भाई साहब जा रहे हैं, जा रहे हैं आप? ओ आ रहे हैं। किशनगंज में जाने को आना कहते हैं? अच्छा, अजीब मामला है शमीम भाई, गांव से कोई जाए तो जा रहे हैं, मकान से जाए तो जा रहे हैं, दुकान से जाए तो जा रहे हैं, जलसा से जाए तो बोले आ रहे हैं। क्या बात है, सही बात है कि नहीं? बहुत अच्छी हक बात। आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा 100% माशाल्लाह। तो पंडित जी ने बड़ा ला इला हरने बाबन ला इला इला बनने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता। इला लम्बा ब्रह्म जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम। ए संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, बैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, बोलिए जन्नत में जाना चाहते हैं? कितने लोग हाथ उठा के बताइए, आईना में मुंह देख के आए हैं? जन्नत में जाना, नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज के नाम पे जन्नत के नाम पे, ऐसा हाथ जल्दी से उठाता है जन्नत के लिए, बुझा रहा दुनिया में जा, नमाज के नाम पे तो हो। कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं 4 रिकत, कुछ लोग 8 रिकत, कुछ लोग 2 वक्त, कुछ लोग 1 वक्त, कुछ लोग 3 वक्त। कुछ लोगों पूछे, भाई साहब फजर में नहीं रहते हैं आप? तो बोले कि फजर में शैतान बहका देता है, नींद नहीं खुलती है। हमने कल बंगाल में ऐलान किया और आज बिहार में ऐलान करता हूं, जो लोग कहते हैं कि फजर में नींद नहीं खुलती है, शमीम साहब बहुत, नीतीश कुमार ऐलान करे बिहार सरकार के, जो फजर की नमाज जमात से पढ़ेगा उसको 1 लाख रुपया दूंगा। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया का शैतान मिलके नमाज नहीं पढ़ पाएगा। क्या बात, का हो पूरी दुनिया के शैतान मिल जाए तो उसको फजर की नमाज नहीं छोड़वा सकता है। इसलिए नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? है बोलो, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? सब लोगों को पढ़ना चाहिए ना, पढ़िएगा कि नहीं? बोलिए इंशाल्लाह, बोलिए इंशाल्लाह, और जोर से बोलिए इंशाल्लाह।
अरे भाई घबरा क्यों रहे, तकरीर अभी मैं शुरू नहीं किया हूँ, अभी तो सिर्फ मैंने आपको जगाया है। इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जाएंगे आप लोग, जाएंगे ना ना मेरी तकरीर सुन के जाएंगे ना सब लोग। कहते हैं बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नाम मोहम्मदम, अगर बैकुंठ हासिल करना चाहते हो मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। जब इस श्लोक को, इस मंत्र को गुरु नानक जी ने देखा तो कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। तुलसी जी कहते हैं निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा। तुलसी भजन भजन सत गोई, बिना मोहम्मद पार न होई, बिना मोहम्मद पार न होई। ये कौन बोल रहा है? हिंदू धर्म का एक व्यक्ति जिसका नाम है तुलसीदास, वो कहते हैं कि बिना मोहम्मद पार। अब पैजामा उठाने वाला कथा हो जाए, खैर उधर हम नहीं जाएंगे। सुनिए ये हिंदू धर्म की किताब से दावा किया गया, आज ये दावा किया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो गुनाह मिट जाएगा, अब मोहम्मद के नाम का माला जपो तो जन्नती हो जाओगे। ये उनकी किताब से दावा किया गया। दलील सुनो अपनी किताब से। हमारी जमात के एक बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े पुरोहित, बहुत बड़े अल्लाह के वली, जिनका नाम है हजरते बायजीद बुस्तामी, आप फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, एक बार बंदा मोमिन पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। कितना गुनाह मिटता है, जोर से बोलो, एक बार अगर किसी ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह तो अल्लाह तबारक व तआला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है, और जब पढ़ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में, कौन है, मैं बच्ची से पैसा नहीं लेता, आप जाइए मिठाई खाइए। ठीक, जरा जोर से बोलो सुभान, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वो कहते हैं जब कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है 12,000 गुना मिट जाते हैं, और जब कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुना मिटता है, जोर से बोलिए ना हो, सवाब कितना मिलता है, 15,000 क्यों नहीं मिटता है, 25,000 क्यों नहीं मिटता, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 वर्ड हैं। कितने वर्ड्स हैं, 12 वर्ड्स, जोर से बोलो, कितने अक्षर हैं, 12, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12, मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12। जब बंदे मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है अल्लाह ताला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है, और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है अल्लाह अपनी रहमत से उसके नामे आमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए ना, जोर से पढ़िए, एक बार पढ़िए जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है। हमने उलमाए कराम, मैं उलमाए कराम की मौजूदगी में बोल रहा हूँ कि हजरत बायजीद बुस्तामी के कौल के मुताबिक आपने 4-5 बार कलमा पढ़ा, पढ़ाया ना मैं, एक बार में 12,000 गुना मिट जाता है। उलमाए कराम की मौजूदगी में बोल रहा हूँ कि आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ हो गया, कह दो सुभान अल्लाह।